Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Dr. Samantha, and please, before starting this video, please ignore my look for today क्योंकि I am not well. और आज की तारीख है 30th of December 2023, मतलब जो ये साल है 2023 का ये ख़त्म होने वाला है. और कल संडे है, कल 31st है, एंड आई हैव टू पोस्ट इट ऑन संडे. तो इसलिए मुझे इस अवतार में, इस हालत में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है. सो प्लीज़ इग्नोर माई लुक. सो आज का जो वीडियो है, क्योंकि ये साल ख़त्म हो रहा है, तो मैंने पूरे साल में कितने बुक्स पढ़े हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ. जैसे मैं हर साल बताती हूँ, 2022 के वीडियो में भी आपने देखा होगा, 21 के वीडियो में भी देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो डोंट यू वरी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दोनों के लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे वो भी देख लीजिए, वो भी इंजॉय कीजिए कि 21 में मैं कैसी थी, 22 में मैं कैसी थी, और 23 में तो आई एम फॉर श्योर मैं बहुत ही गंदी दिख रही हूँ. बट या, इग्नोरिंग एवरीथिंग, दीज आर द बुक्स दैट आई हैव रेड इन 2023. आई जस्ट रिमेम्बर मैंने 10 नहीं, मैंने इन टोटल 11 बुक्स पढ़ी है. और इसी बुक से स्टार्ट करते हैं जो मैं भूल गई थी और जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, विच इज सिद्धार्थ. तो ये जो बुक है, ये मैं जम्मू कश्मीर से हूँ बेसिकली, तो हम घूमने के लिए सबके साथ गए थे मकलोरगंज, विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, एंड वहाँ पे तिब्बतन मार्केट है. You should all also visit to that place. It's beautiful. तो as मुझे बहुत शौक है किताबें collect करने का, तो मैंने वहाँ पर ये book देखी किसी एक shop पर, and I bought it. And then I read this book. बहुत अच्छी book थी. Basically गौतम बुद्ध की life start कहाँ से हुई, सिद्धार्थ कौन है, ऐसे सब चीज़ों से ये start हुई. A bit slow pace, या मुझे at that moment ऐसा लगा. तो बाकी दिस बुक वॉज गुड. आई माइट रीड इट समडे अगेन, आई डोंट नो. एंड प्लीज इग्नोर इसको जो मैंने टेप लगाया हुआ है और जो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर हो चुका है. इट इज़ ऑल बिकॉज आई हैव अ डॉग जिसका नाम है डुम्बू. सो इट हैपन्स, पेट पेरेंटिंग. सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट माई सेकेंड बुक. उसकी भी यही हालत है तो प्लीज इग्नोर. मेरे घर में एक बहुत ही शैतान लड़का रहता है, तो इसको इग्नोर करते हुए अगर हम इस बुक की बात करें, दिस बुक, इसका नाम है डू इट टुडे. तो ये एक्चुअली में इट इज अ फुल ऑन मोटिवेशनल बुक. ये जो मुहावरा है जो हम बचपन से सुनते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये वही मोटिवेशन देता है. एंड आई थिंक द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, मुझे उस मोटिवेशन की ज़रूरत थी. आई वॉज वेरी लेजी एंड मैं हर चीज़ बाद में करेंगे ऐसे चीज़ पे ढकेल रही थी अपना सारा काम. एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी लाइफ थोड़ी स्लो हो गई थी. सो या, इन ऑल वेज दिस बुक इज़ एन अमेजिंग बुक. तो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक, प्लीज गो अहेड. इफ यू आर लेजी और इफ यू हैव अ हैबिट कि अपना काम जो है नेक्स्ट डे पे ऐसा पुश कर देना, तो गो अहेड, रीड दिस बुक. एंड इस बुक में जो लिखा है, ट्राई टू डू इट, एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू गोइंग टू लीव दैट लेजीनेस इन यू, एंड बहुत अच्छे से यू start a life, a very productive life. So you should definitely read this book. So let's just talk about the third book jo maine padhi thi, and this book, I actually have loved this book, and this book ne meri bahut zyada help ki hai. To ye book jo hai, basically it's Be Calm and Stop Anxiety Now. So
I know that a lot of people of my generation and the new generation are suffering from anxiety, and बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि जो वो सफ़र कर रहे हैं वो एंग्जाइटी है कि क्या है, until वो एक ऐसे पीक पे पहुंच जाता है when you जब वो आपके फिजिकली जो है प्रेजेंट होने चालू हो जाता है इन फॉर्म ऑफ शिवर्स, इन फॉर्म ऑफ फीलिंग नॉजिएटिक एंड सफोकेटेड जैसा फील होता है, उस लेवल तक पहुंच जाता है, तब आपको लगता है कि ओ माई गॉड समथिंग इज रॉन्ग इन मी. तो ये बुक वही है एंड इस बुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक दिस बुक. आई वॉज जस्ट रूमिंग अराउंड द बुक स्टोर एंड फिलोसफी के सेक्शन में आई जस्ट वेंट एंड आई वॉन्टेड समथिंग बुक फ्रॉम द फिलोसफी सेक्शन एंड आई सॉ दिस बुक एंड आई वॉज लाइक डूड आई रियली रियली नीड दिस बुक. मुझे ये बुक पढ़नी है. आई वॉन्ट टू नो एज अ डॉक्टर एज वेल आई वॉन्ट टू नो वट एंगजाइटी इज एंड very very helpful guys. So please I don't know if aapko dikh raha hai ki nahi, just saw this book, ignore kar do, thoda sa phata hua hai yaar wo, I have a dog so yeah, but ha please see this book, take a screenshot if you want, and if you are suffering from anxiety to please is book ko ek baar hi padho and isme nuske diye hue hain ki aap kya kya kar sakte ho and try to do that and let's hope जो लोग एंग्जाइटी से सफर कर रहे हैं दे कम आउट ऑफ इट एंड हैव अ हैप्पी लाइफ. ओह शिट. No comments. Unfortunately, पोपट हो गया मेरा. But yeah, चलो next book की तरफ चलते हैं जो I am for sure मैंने इस साल पढ़ी है, which is this. This is a manga और इस book का नाम है Death Note और मैंने सिर्फ पहला volume पढ़ा. एक तो ये book बहुत महंगी है, but the comic, the manga is amazing and I am dying to read all of the parts and I would love to collect. मुझे इसकी सारी की सारी कलेक्शन चाहिए, इंक्लूडिंग अगर मुझे ये डेथ नोट का जो ये डेथ नोट है हमारे इसका पूरा एक मॉडल मिल जाए तो मजा आ जाए. इफ यू आर मंगा लवर्स और कॉमिक लवर्स डू रीड दिस. तो नेक्स्ट है हमारे पास किताब का नाम द लव हाइपोथेसिस. इस बुक के क्या कहने, वाह. इफ यू आर अ रोमांस नॉवल पर्सन, हार्डकोर जिसको रोमांटिक बुक्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये किताब आप लोगों के लिए है क्योंकि इसमें रोमांस है. इसमें थोड़े मेडिकल टर्म्स है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पीएचडी स्टूडेंट एंड टीचर प्रोफेसर. सो बेसिकली दोनों पीएचडी करे हुए हैं एंड बायोलॉजी में. तो आई एम अ डॉक्टर तो मुझे उसके काफ़ी टर्म्स समझ आ रही थी. मे बी आप लोगों को इफ यू आर नॉट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो मे बी टर्म्स समझ नहीं आए, बट बिसाइड दैट द बुक हैज़ फुल ऑन रोमांस. बहुत ही ज़्यादा ही मजा आ जाता है. स्पाइसी भी है थोड़ी एंड थोड़ी मजेदार भी है. टिपिकल रोमांटिक नॉवल. इफ यू लव रोमांस यू लव दिस बुक. तो चलिए आते हैं अब हम सेकेंड लास्ट बुक्स की तरफ और ये बुक्स हैं पूरे के माय गॉड पूरे के पूरा सीरीज. इस सीरीज का नाम है हार्ट स्टॉपर्स और मेरे को लगता है इस साल की ये मेरे फेवरेट बुक है क्योंकि इसकी मैंने स्टार्ट किया था. मैंने हार्ड कवर लाया था और मुझे सब हार्ड कवर में ही चाहिए थे, बट इसका हार्ड कवर बहुत महंगा है. बट मैंने वॉल्यूम 1 लाया था हार्ड कवर में एंड जब मैंने ये पढ़ा आई इमीडिएटली न्यू दैट आई वॉन्ट इसके सारे सीरीज खत्म.
एंड दैट व्हाट आई डिड. ये पूरा अमेजोन से जाके मैंने तीनों के तीनों किताब एक साथ खरीदे, बिकॉज ये बल्क में मुझे थोड़े अमेजोन से सस्ते मिल रहे थे, तो मैं ऑनलाइन जाके अमेजोन से सीधा के सीधा तीनों के तीनों बुक्स ले आई. सो अब इसके क्या फायदे हैं इस बुक के, ये मुझे क्यों इतनी पसंद आई. रीजन, फर्स्ट आई शो यू, ये ऐसी है लाइक फुल ऑन कॉमिक. ओके, अगर आपको दिख रहा है तो फुल ऑन कॉमिक की स्टाइल में है. सो इफ यू आर अ न्यू रीडर जिसे बुक ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि पिक्चर्स नहीं होते हैं उसमें, तो यू ऑल कैन स्टार्ट विद द हार्ट स्टॉपर की सीरीज. इसमें बेसिकली 5 सीरीज हैं, बट मैंने 4 ही पढ़ी हैं क्योंकि 5वीं अभी आई नहीं है इंडिया में. तो जैसे आएगी या जैसे मुझे कहीं पे भी मिल जाएगी, मैं पक्का उसको पढ़ने वाली हूँ. बट व्हाट आई वाज टेलिंग बेसिकली कि ये जो बुक है इसमें पिक्चर्स हैं और बहुत इजी टू रीड है ये, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप एक न्यू रीडर हैं, आपको किसी चीज़ से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. कुछ मिस्ट्री नहीं है, इट इज सिंपल टीनेज लव स्टोरी. बट व्हाट आई लव अबाउट द सीरीज इज कि इसमें सिर्फ टीनेज लव स्टोरी नहीं है, ये बेसिकली है कि जो टीनेजर्स हैं, जो स्कूल में जाते हैं, जो हाई स्कूल में जाते हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर ओन सेक्सुअलिटी इन अ वर्ल्ड जहाँ सेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस नहीं है. वहाँ दीज टीनेजर्स आर एक्सेप्टिंग their own sexuality, कि whether they are gays या lesbians या bisexual या transgenders, वो लोग खुद क्या हैं, they are accepting it, they are coming proudly in front of the world और दुनिया को बता रहे हैं कि okay, I am not this male or female, but I am a transgender or I am a gay or I am a lesbian, very proudly. This is what I like about this book. हाँ, इसमें there is two gay couples who are very much in love, and us basis pe they are understanding their sexuality, they are coming out of the world, aur jo world ke jo myth hain, jo cheeze hoti hain ki nahi men and women hi hote hain, all those shit, to usko hatate hue they are telling the world to accept everyone has their own sexuality, तो उस चीज़ को accept करें, हर एक की choices होती हैं, उस चीज़ को accept करें, which I really really like about this book. बहुत ही ये जो author है, इन्होंने बहुत ही sweetest तरीके से ये चीज़ explain की है कि sexuality दुनिया में matter नहीं करती है. What matters is love and spreading love. So this is what I really like about this book. And also इस चीज़ सेक्सुअलिटी और रोमांस को छोड़ के इस बुक ने ये भी बताया है कि जो टीनेजर होते हैं, टीनेजर के प्रस्पेक्टिव से बताया है कि एक टीनेजर के लिए जो ग्रो हो रहा है उसके लिए इट्स सो हार्ड. एक तो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना हार्ड होता है उनके लिए, दुनिया के सामने उस चीज़ को लेके आना कि वो आई वॉन्ट बी सीइंग डिफरेंट है, बट या कि दे आर नॉट सम टिपिकल ओके आई एम मैन और आई एम वुमन, ऐसा नहीं, दे आर they are different. Okay, ऐसा I don't know आप कैसा समझ रहे हैं, but not in a bad way, but yeah, कि they have their own sexuality वैसा. तो ये चीज़ को वो accept कर रहे हैं, दुनिया के सामने आ रहे हैं, और इस book में ये भी दिखाया है teenager की perspective से कि it is so hard for a teenager कि इन सब के साथ साथ they are also suffering from mental disorder. इसमें particularly eating disorder की बात की गई है, तो कि इस सब के साथ साथ, इतने चीज़ों के साथ साथ, the person, the teenager is also accepting कि उसको एक mental disorder है, an eating disorder, और वो चीज़ को लेके now उसको open up होना है अपने parents के सामने कि okay, because आप कितना भी बोले, इट इज़ वेरी टफ फॉर अ सोसाइटी टू एक्सेप्ट दैट मेरा बेटा या ये या कोई भी बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. क्योंकि अगर आप बोलोगे कि ओके आई हैव आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो आपको तो सीधा पागल ही बोल देंगे कि पागल है क्या तू, तू तो पागल ही है, पागल है लाइक दैट. मतलब ऐसा करते हैं सब, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी एग्रीइंग विद मी, ऐसा होता है. बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास दुनिया में सब कुछ हो तो आपको मेंटल डिसऑर्डर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है. जस्ट कम आउट ऑफ दिस मिथ. देर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड
irrespective of their profession, they are suffering from some of the other mental disorders. So I really liked about this book कि ये जो बच्चा है उसको accept कर रहा है कि okay I have an eating disorder और ये चीज़ अपने parents के सामने खुल के बता रहा है और उस पर उसको ठीक भी अपने parents की help से कर रहा है and उसका जो partner है वो उसकी help कर रहा है. So it has romance, it has all the reality check of the world, it has understanding of sexuality, it has understanding of mental health problems. जो बच्चे सफ़र करते हैं इस book में, इस पूरी series में सब कुछ है. And there is no doubt that this series made it 2023 की one of the best book read में आती है. Okay, तो हमारा सब खत्म होता है और हम आते हैं छोटी लास्ट बुक पे. इस बुक का नाम है द बर्थडे गर्ल. मुराकामी की ये बुक है और मुझे मुराकामी की कुछ तो बुक पढ़नी थी. मेरे पास है, आई हैव आई थिंक वन मोर बुक, बट मुझे कुछ बड़ा नहीं पढ़ना था बिकॉज आई डोंट नो ये ऑथर कैसे हैं. हर्ड अ लॉट अबाउट इनके बारे में कि ही इज एन अमेजिंग ऑथर, बट मैंने कभी बुक पढ़नी था. आई थॉट लेट्स स्टार्ट विद दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर और मैं इससे पढ़ूँ. सो ये बर्थडे गर्ल मुझे अच्छी लगी. इट वॉज मैं ऑनेस्टली तो अच्छी थी बट थोड़ी मेरी समझ से बाहर. इट वॉज वेरी सिंपल कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो मुझे इसका नहीं समझ आया टू बी ऑनेस्ट कि बुक में वो कहना क्या चाह रहे थे. मे बी इफ आई रीड इट वन मोर टाइम तो मुझे समझ आ जाए, आई एम नॉट श्योर. बट हाँ, मुझे फर्स्ट रीड में इसकी एंडिंग कुछ छेपी नहीं, कुछ समझ नहीं आई कि मतलब लाइक कहना क्या चाहते हो लाइक दैट. तो ऐसा हुआ मेरे साथ और ऐसा होता है मेरे साथ बुक पढ़ते पढ़ते कि कहना क्या चाहते हो. बट हाँ, आई विल नॉट रीड दिस बुक बट आई गिव इट अ ट्राई. कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर नॉट इन दैट स्पेस कि जहाँ हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें. तो मे बी वन डे व्हेन आई एम रीडिंग इट अगेन तो मुझे समझ आ जाए इसकी एंडिंग कि ये ऑथर कहना क्या चाह रहे थे. मे बी उस टाइम पर मुझे समझ आए, बट राइट नाउ व्हेन आई हैव रेड दिस बुक मुझे ये समझ नहीं आई. सॉरी, बट आई एम डन विद ऑल माई 10 बुक्स जो एक्सीडेंटली मैंने 11 बोले थे, बट अल्टीमेटली आई गॉट टू नो कि मैंने 10 ही पढ़ी है. मुझे खुशी हुई थी बहुत. चलो कोई नहीं. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो कि मैंने कौन कौन से बुक्स इस साल पढ़े हैं. एंड तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस, मेडिकल रिलेटेड वीडियोस, बुक्स रिलेटेड वीडियोस, समटाइम्स फन व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स, मंडे मोटिवेशन एंड फ्राइडे फैशन को बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज दे आर फन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाई.